नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज वहां एक और बच्चे की मौत हो गई, साथ ही उसकी मां की भी मौत हो गई है। कोटा में अब तक 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिस बच्चे की आज मौत हुई वो 7 महीने का था और उसे 2 जनवरी को भर्ती करवाया गया था। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, अब इस मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई अभी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन अभी अभी हमारे सामने जो उनकी डेड बॉडी लेकर निकले हैं, फैमिली निकली, और ये 2 जनवरी को एडमिट कराया था, 12 से रेफर रुकाई थी, और फैमिली का कहना है कि वहाँ 12 में शायद खून को लेकर प्रॉब्लम हुई कि गलत चढ़ाया। यहाँ रात को ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के दौरान दोनों की मौत हो गई, जच्चा बच्चा की, और ये प्री मेच्योर बताया जा रहा है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये है, अभी हॉस्पिटल की ओर से सफाई दी जाएगी तब पता लगेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि जो बचाने की जो जिस तरीके से बताया जाना चाहिए, अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोटा के अंदर इस अस्पताल के अंदर मौतें रुक रही है। रात को भी हम अस्पताल का भी हमने वार्डों में भी गए तो वहां पर कई जगह इन्होंने इंतजाम सुधारे, लेकिन अभी भी काफी प्रॉब्लम बनी हुई है। जी, यानी मंत्रियों के रुख के बावजूद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं।